Very good morning my dear students, I am Ruhi ma'am. Today we read chapter 4 in computer. Chapter 4 में हम यहाँ से start करेंगे. So listen carefully, steps to be followed during mail merge. To start, mail merge follow the given steps. Mail merge start करने के लिए इन steps को follow करेंगे. Step 1, click mailing tab on the ribbon. यहाँ आपको ribbon में mailing tab दी गई है, इस पर click करेंगे. Step 2, click start mail merge from the start mail merge group and choose letters from the choice available. Mailing tab पर आप click कीजिएगा, यहाँ start mail merge option लिखा हुआ है, इस पर click करेंगे. उसके बाद बहुत सारा option open हो गया है, आपको choice करना है, यहाँ letter पर click करेंगे. Step 3, type the letter you want to send. यहाँ लेटर टाइप कीजिए जिसे आप सेंड करना चाहते हैं. स्टेप 4, क्लिक सिलेक्ट रेसिपिएंट्स एंड चूज टाइप न्यू लिस्ट फ्रॉम द चॉइसेस अवेलेबल. यहाँ सिलेक्ट रेसिपिएंट्स लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए. सिलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक किए, यहाँ तीन ऑप्शन आपका ओपन हुआ है. टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक कीजिए. द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ अपीयर हो गया है. स्टेप 5, फिल इन द वेरियस फील्ड्स विद एप्रोप्राइट इंफॉर्मेशन. यहाँ आपको फील्ड्स में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है. यू कैन लीव ए फील्ड ब्लैंक एज वेल. अगर आप चाहते हैं किसी फील्ड को ब्लैंक रखना तो आप रख सकते हैं. स्टेप 6, टू क्रिएट अनदर एंट्री क्लिक द न्यू एंट्री बटन. अगर यहाँ न्यू फील्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ न्यू एंट्री पर क्लिक कीजिए. यू कैन अरेंज द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बाय क्लिकिंग द एप्रोप्राइट कॉलम हेडिंग. फॉर एग्जांपल क्लिक फर्स्ट नेम फील्ड टू अरेंज अकॉर्डिंग टू नेम्स. अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड को यहाँ अपनी चॉइस से अरेंज करना तो आप अरेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ आपको फर्स्ट नेम है तो इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं. अगर यहाँ नेम दी गई है तो इस नेम में आप कुछ और नेम भी दे सकते हैं और चाहे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं. स्टेप 7, आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म क्लिक ओके बटन. जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो यहाँ ओके बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए. द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. और आपकी सेव एड्रेस लिस्ट वाली डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगी. स्टेप 8, गिव ए सुटेबल नेम टू द लिस्ट एंड क्लिक सेव बटन. उसमें आप सुटेबल नेम दीजिए जो आपको देना है और सेव बटन पर क्लिक कीजिए. स्टेप 9, नाउ प्लेस द कर्सर इन द मेन डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द फील्ड्स टू बी इंसर्टेड. अब मेन डॉक्यूमेंट पर कर्सर आप रखिए जहाँ आप फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं. यहाँ सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गई है. यहाँ आपको फाइल नेम में नेम टाइप करना है, यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी न्यू एंट्री जो आपने फील्ड ऐड किया है वो आपका सेव हो जाएगा. स्टेप 10, क्लिक इंसर्ट मर्ज फील्ड फ्रॉम द राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप एंड चूज द रिक्वायर्ड फील्ड. अगेन प्लेस द कर्सर टू अनदर प्लेस फॉर द नेक्स्ट फील्ड एंड इंसर्ट इट इन द सेम मैनर. राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में आप इंसर्ट मर्ज पर फील्ड पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको दी गई है. यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और चूज कीजिए जो आपको फील्ड चाहिए. यहाँ फील्ड सब ओपन है और कर्सर को दूसरे प्लेस पर फिर ले जाइए नेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करने के लिए. इसी तरीके से आप फिर नेक्स्ट फील्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं. स्टेप 11, क्लिक फिनिश एंड मर्ज फ्रॉम द फिनिश ग्रुप टू कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस. मेल मर्ज प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है तो यहाँ फिनिश एंड मर्ज लिखा हुआ है फिनिश ग्रुप में, इस पर क्लिक कीजिए. स्टेप 12, चूज एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन द मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. यहाँ तीन ऑप्शन आपको ओपन है. एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो गया है. स्टेप 13, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन एंड क्लिक ओके बटन. ऑल ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए.
Note, you can also click Highlight Merge Fields from the right and Insert Fields group to easily identify which part of the document will be replaced by the information from the recipients list. The merged letters will be opened in Microsoft Word window for further editing. इस तरह से आप मर्ज लेटर ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में और उसका एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 3 मर्ज लेटर दिया गया आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप लोग पढ़िए और समझिए और चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया है कंप्यूटर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।